हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइनीज ड्रामा बी योरसेल्फ के बारे में। सो इसके पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आज ये थर्ड और लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। सो इस वीडियो के हम स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सियांग सभी को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सभी डर जाते हैं और उन्हें अपने अपने काम के बारे में बताने लगते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो इतनी हुई है, हमारी ये न्यू कमर्स हैं वो इतने हैं, ओल्ड कमर्स हैं इतने हैं, इसके बारे में बात करने लगते हैं। वो तो कहता है कि नहीं नहीं ये काम के सिलसिले में नहीं है, इस पर सभी को सांस आती है कि यार शुक्र है ये काम के बारे में तो नहीं है। उसके बाद वो सभी कहते हैं कि फिर आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो कहता है कि असल में मुझे शाओयाओ के बारे में बात करनी है। वो कहता है कि शाओयाओ आजकल मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं इसके बारे में क्या करूँ। जिस पर सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगते हैं और वो कहता है कोई बात नहीं, हम एक ग्रुप बनाते हैं और सभी के आइडियाज़ को यूज़ करके देखते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। जब हर एक ट्राई करता है उस आइडियाज़ पर काम करने पर, लेकिन सभी के आइडियाज़ फेल हो जाते हैं। शाओयाओ किसी की बात नहीं मानती और अपने सैड रहती है। और तभी वो ट्राई करता है उसे इम्प्रेस करने की, उसे प्रपोज करता है। जब वो उसे प्रपोज करता है तो वो कह देती है कि थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे से मिलना बंद कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह है वो सोचता है कि अब मुझे अपना लास्ट कार्ड खेलना ही पड़ेगा, मुझे अब फैंटेंशी को बुलाना ही पड़ेगा, तो वो उसे बुलाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी शाओयाओ मन में सोच रही होती है कि यार शायद फैंग सही कह रहा था, उसे इस वक्त अपने आप पर काम करना चाहिए। अभी सीन दोबारा शिफ्ट होता है सुयांग की तरफ, जो कि फैंग टिंगशी से बात करता है और फैंग टिंगशी उसे आइडिया देता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस सिलसिले में, और वो उसे स्टेप टू स्टेप बताता है कि तुम कैसे इस मिशन को अकम्प्लिश करोगे, तो वो वैसे ही करता है। इसलिए वो प्लान करते हैं कि वो सरप्राइज देंगे शाओयाओ को। कैसे, वो उसके कोवर्कर्स जैसे लीली वहाँ पर जाती है और उसे कहती है कि आज फैंसी वापस जा रहा है तो हम उसे सरप्राइज देंगे, जिस पर वो कहती है कि मैंने तो कोई सरप्राइज प्लान ही नहीं किया। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं तुम जाओ हम अभी करते हैं, और वो उन्हें ज़बरदस्ती सुयांग के साथ भेज देते हैं। जब वो उसके घर जाती है सुयांग के, तो वो कहती है अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं वापस चल जाती हूँ। जिस पर वो कहता है दो मिनट रुक जाओ, और वो उसके सरप्राइज जो उसने प्लान किया होता है वो उसे दिखाता है। उसने उसकी ड्राइंग के रिलेटेड हर चीज़ वहाँ पर रखी होती है, उसके पुराने पोस्टर्स जो उसने बनाए होते हैं, उसके अलावा उसके ड्राइंग बुक्स, स्केच बुक्स जहाँ पर वो पेंसिल ड्रॉ पेंसिल स्केचेस सब कुछ वहाँ पर पड़ा होता है। एक कंफर्टेबल चेयर होती है और इसके साथ साथ वो खुद वहाँ पर होता है, और वो कहता है कि शायद ये सब अच्छा रहेगा, राइट। इसके बाद वो उसे फिर से प्रपोज करता है और इस बार वो उसे हाँ कर देती है, और वो दोनों क्वाइट स्वीट मोमेंट स्पेंड करते हैं एक साथ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारे जो सुयांग है और शाओयाओ है वो डेट करते हैं, और डेटिंग के दौरान ही उसे रास्ते में पैंगटिंगशी मिलता है और जो हमारी शाओयाओ है वो पैंगटिंगशी के साथ चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों काफ़ी रोमांटिक लाइफ जी रहे होते हैं, कि तभी जो हमारी शाओयाओ है उसका ध्यान जाता है कि सुयांग शायद पर्सोना टेक पे अभी भी ले रहा है, और वो उसे फॉलो करने की कोशिश करती है। जहाँ पर फैंग जो हमारा सुयांग है वो पूरा पूरा कोशिश करता है कि उसे पर्सोना टेकअवेज के बारे में ना पता चले। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो शाओयाओ फॉलो करती है सुयांग को, और एंड सुयांग हार कर पर्सोना टेकअवेज को पूरी तरह छोड़ देता है कि अब से मैं इसे नहीं खाऊंगा, अगर मुझे सक्सेसफुल होना होगा तो मैं अपने दम पर होगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की तरफ, यहाँ पर सुयांग काफ़ी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ शाओयाओ सोचती है कि मैं एक बार ज़रूर ट्राई करके देखूँगी क्या मैं असली सुयांग को पसंद करती हूँ या फिर उस पर्सनैलिटी बिग बॉस सुयांग को पसंद करती हूँ। इसलिए वो एक लास्ट ऑर्डर पेश करती है अपना पर्सोना डिलीवरी की तरफ से, जिसमें वो ऑर्डर करती है कि लोगों की माइंड रीडिंग कर सके। और जब वो सभी के पास जाती है तो वो सभी की माइंड रीडिंग कर पा रही होती है। उसके बाद वो सुयांग के पास जाती है और वहाँ पर वो नोटिस करती है कि सुयांग उसे सच में बहुत पसंद करता है, और दूसरी तरफ वो ये भी देख पा रही होती है कि सुयांग जो है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड होता है अपने काम को लेकर। लेकिन एट द एंड वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जो शाओयाओ है वो भी उसे एट लास्ट कह देती है कि आई लव यू टू, जिस पर सुयांग काफ़ी खुश होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारा,
सुयान की कंडीशन पर कि अब वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि वो पर्सोना टेक वेस नहीं लेता, तो उसका वर्कलोड काफ़ी कम हो चुका है और अब वो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है। उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक होती जा रही है, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रेस्ड होता है। दूसरी तरफ शायाओ अपने कोवर्कर्स को कहती है कि यार तुम लोगों को सोचना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारे बॉस के समय है उन्हें उससे को गौर में रखते हुए उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद तभी उन्हें अपने कोवर्कर से न्यूज़ आती है कि जो सुयांग है उसके जो बोर्ड ने उसे आउट कर दिया है क्योंकि अब वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। दूसरी तरफ अब उसके पास अकेला क्या बचा है, टॉप मैगजीन बची है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुयांग वहाँ पर आता है और वो कहता है कि आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, मुझे थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना साथ दिया और अगर ये कंपनी बंद भी हो गई तो भी मैं होप करता हूँ कि आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी। इसके बाद सभी को फील होता है कि अभी वो सब उन सभी को एक साथ होकर इस सब से डील कर लेंगे। उसके बाद सुयांग बताता है कि एक इन्वेस्टर को लाएंगे और वो होप कर रहे हैं कि वो उसे पसंद करेगा। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की तरफ जहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि वो जो हमारा उनका इन्वेस्टर आया होता है वो क्या जवाब देगा। दूसरी तरफ सुयांग को डिटरी कर रहा होता है कि वो हाँ ही करे, लेकिन एट द एंड वो ना कर देता है, जिस पर कभी सारी फैन बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। देन सीन दोबारा शिफ्ट होता है सुयांग और शाओयाओ की तरफ जहाँ पर शाओयाओ सुयांग को काफ़ी हद तक कंसोल कर रही होती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम दोनों इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सामने ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पर सुयांग इस बात के लिए उससे माफ़ी मांगता है कि उसने असल में जो भी उसके पास पहले था अपने सब कुछ उसे पर्सोना टेक अवे की तरफ से मिला था क्योंकि वो उनके पास खा रहा था। जब उसे प्रूव करने जाता है तो वो देखता है कि उसके फोन से वो एक्टिवेट हो जाती है। उसकी अपोलोजाइज सुन के शाओयाओ भी अब उससे माफ़ी मांगते हैं कि हैरान होते हैं, लेकिन एट द एंड वो दोनों खुश होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारा उनके ऑफिस की तरफ जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और वो दोनों काफ़ी प्यार से उनके पास जाते हैं जिस पर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि क्यों ना हम अपने टॉप मैगजीन को ई कॉमर्स की तरफ ले जाएं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से अपनी मैगजीन को प्रमोट करेंगे, सभी कुछ जो भी होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल लेवल पर होगा, वीडियोग्राफी होगी, फैंस के इंटरव्यूज होंगे, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स होंगे, इंटरव्यूज होंगे सेलिब्रिटीज़ के, जिस पर सुनकर सभी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और एट द एंड उनकी कंपनी काफ़ी हद तक ब्रिलियंट हो जाती है और इस सब में उसकी मदद पेंटिंग से भी करता है और एट द एंड वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करते हैं। तो यही तक था हमारा ये शॉर्ट ड्रामा बी योरसेल्फ, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अब हम कोई नया शॉर्ट ड्रामा स्टार्ट करेंगे होपफुली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप नई नई हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सको अलग अलग चाइनीज और कोरियन ड्रामाज के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।